अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं महक और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। यह हमारी गाजर है 2 किलो, इसे हमने अच्छे से छीलकर धोकर और अब क्रश करना है। आप चाहे मशीन से करें या हाथों से कद्दूकश के साथ कर सकते हैं। 2 किलो हमारी गाजर है। ये एक कटोरी हमारी चीनी है और आप चाहे ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये हमारा खोया है 1/2 किलो के करीब, सॉरी 1 पाव। और ये हमारा दूध है 1/2 किलो। और ये हमारा देसी घी है, मैंने ताज़ा अभी बनाया है देसी घी, 1 प्याली से थोड़ा सा कम। और ये हमारे थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये जो हमारी जो इलायची है 3 पिंच ले लेंगे मोटे वाली। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम गाजर डाल देंगे सारी, और जो दोस्तों हमारा जो दूध है ना 1/2 किलो, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और इसे हम हल्की हल्की आंच पर पकाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ये मैंने दूध डाल दिया, इसके अंदर 1/2 किलो दूध है। इसे हम हल्की आँच में पकाएँगे ताकि ये गल जाए। 1/2 किलो इनफ होगा दूध, क्योंकि गाजर का अपना पानी भी जिसके अंदर से निकलता है उसे भी जस्ट करना होता है। तो इसे हम पकाएँगे अच्छे तरीके से, ढक कर रखेंगे। अगर कोई भी गाजर या किसी का टुकड़ा इसके अंदर जाहिर हो जाए वो आप निकाल दीजिएगा। इसे हम ढक कर पकाएंगे कुछ देर के लिए, जब तक हमारा दूध खुश्क हो जाएगा गाजर के अंदर। फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ढक कर रख देंगे। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए दूध हमारा इसके अंदर जज होने ही वाला है। चम्मच चला देंगे अच्छे से हम। अच्छे से चम्मच चलाया, फिर ढक्कर रख देंगे, थोड़ा और वेट करेंगे दूध हमारा खुश्क हो जाए। और ये देखिए जी दूध हमारा खुश्क हो गया इसके अंदर से। गाजर का जो अपना पानी था वो भी खुश्क हो गया। चम्मच चलाएंगे अच्छे से, तो उसे ध्यान रखिएगा जले ना हमारा हलवा। ये बहुत ही ध्यान से पकाना पड़ता है। ये देखिए 3 पिंच के करीब हमारी जो थी इलायची छोटी, वो डाल देंगे इसके अंदर हम। चम्मच चलाएंगे, ये देखिए ये जो हमारा घी था इसके अंदर हम डाल देंगे। एक छोटी कटोरी आप ले लें या ऐसे समझ लें, या ये जो कटोरी मेरे हाथ में जो है ये आप थोड़ी सी कम डाल लें, 1 से 1/2 से ज़्यादा घी डाल देंगे इसके अंदर देसी। आप चाहे तो वही भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें। मैंने देसी घी डाला इसके अंदर। दोस्तों बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। और ये देखिए अगर थोड़ा वो चिपक भी जाए तो उसे अच्छे से हमें डाल लेंगे, पर ध्यान रखिएगा चले नहीं, अगर चला तो सारी रेसिपी का मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। चम्मच लाएँ अच्छे से, अच्छे से भूने। जब तक हमारा गाजर से ऑयल बाहर निकल के नहीं आता तब तक हमारी भुनाई ख़त्म नहीं होगी, तभी हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे फास्ट फूड की। अच्छे से चम्मच चलाते जाएंगे हम, नॉर्मली आज कल से पकाएंगे हम। देखिए चम्मच चलाते हैं अच्छी तरीके से हम, अच्छे तरीके से पकाएंगे इसे हम। ये जो हमारी चीनी वो ऐड कर देंगे, चम्मच लाएंगे और ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए। और जब चीनी पे अपना पानी जब खुश्क हो जाएगा चीनी का पानी भी, तो हमारी भुनाई शुरू होगी 10 से 15 मिनट के लिए। फिर हम मीडियम आंच पर इसे भुनाई करेंगे। अभी हमारी जो फ्लेम है वो कम ही हो तो अच्छा है। ये देखिए चीनी पे अपना थोड़ा पानी छोड़ देगी। आप चीनी और जो घी है वो साथ ही ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चीनी पहले डाल रहे हैं तो उसके 5 मिनट बाद आप घी भी डाल सकते हैं या ऑयल। इसमें कोई वो मसला नहीं है कि ये डालें या वो डालें,
ये देखिए मैंने पहले घी डाला था, देसी घी एक कटोरी, उसके बाद मैंने चीनी डाली थी। इसे ढककर रख देंगे, इसका भी पानी थोड़ा निकलेगा, वो भी जस्ट करेंगे इसके अंदर से हम। ये देखिए चीनी का भी थोड़ा सा पानी है, इसे भी हम जस्ट करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, इलायची हमने जो डाली थी उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और ट्राई भी कीजिएगा। सर्दियां हैं, सर्दियों में तो गाजर का हलवा हमारे मूल पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे से पसंद किया जाता है हमारे घरों में, और बच्चे भी बहुत शौक से इसे खाते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये वाला हलवा, बस थोड़ा देर तो लगती है पर बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो जी ये देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, इसकी हम भुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए इनफ होगा हमारा। और ये देखिए ऑयल निकलना शुरू हो चुका है इसके अंदर से, चम्मच हिलाते जाएंगे अच्छे से हम। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा खिल के हमारा गजरेला तैयार हो रहा है। ये देखिए ड्राई फ्रूट हमें डालें थोड़े से, और ये जो हमारा खोया था 250 ग्राम वो हम डालेंगे इसके अंदर। और भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं पर मैं इतना ही डाल लूँगी, क्योंकि जब हम इसकी गार्निशिंग के लिए तैयार करेंगे तो उसके अंदर भी जो हमारे लड्डू वगैरह होंगे वो भी डालेंगे, तो खोया काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने 250 ग्राम ही डाला इसके अंदर। ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं, ना भी डालें तब भी चलेगा, पर खोया डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये और सबको अच्छा लगेगा। दोस्तों ये देखिए खोया हमने डाल दिया है, हमारा गजरेला भुन चुका है, 15 मिनट से हमने भुनाई की थी अच्छे तरीके से। और जी ये देखिए हमारा गजरेला तैयार हो गया है, और ये जो लड्डू मैंने बनाए इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल में डाल दूँगी, बल्कि डाल दी है अभी से, आप देख लें। बहुत ही मज़े के लड्डू बनते हैं, खोए के लड्डू हैं, दो कलर के मैंने बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।